नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोमित्रम में आपका स्वागत है। आज मैं प्रभा पाराशर आपके लिए 8 अगस्त 2018 का राशिफल लेकर आई हूँ। पहले हम पंचांग देखते हैं। आज का पंचांग है संवत्सर विरोध कर, विक्रम संवत 2075, शक संवत 1940, अयन दक्षिणायन, योग हर्षण, करण कौलव, ऋतु वर्षा, माह श्रावण मास, वार बुधवार, तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी, नक्षत्र मृगशिरा 10:47 तक है, उसके पश्चात आद्रा का प्रारंभ होगा। सूर्योदय 5:47 सुबह और सूर्यास्त शाम को 18:45 पर। दिशा सूल उत्तर दिशा है। मित्रों, आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के समय हम ग्रह स्थिति देखते हैं। सूर्य बुध और राहु कर्क राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरु तुला राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि धनु राशि में और केतु मकर राशि में, राहु कर्क राशि। आज की राशियों का फलादेश। मेष राशि, पहले हम मेष राशि को लेते हैं। 12 राशियां होती हैं जिनमें पहली राशि मेष राशि मानी जाती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। मित्रों और भाइयों से उनका मेल मिलाप होगा और ये उनके साथ मौज मस्ती करेंगे। उनके सहयोग से ये विशेष कार्य भी करेंगे, आलस्य अनुभव करेंगे। परिश्रम के अनुरूप इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए व्यथित भी दिखाई देंगे। आज के दिन केले के वृक्ष का पूजन करने से इन्हें सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों को आज धन प्राप्ति होगी। आज इनका विवेक बढ़ा चढ़ा रहेगा। दान पुण्य में इनको मन लगेगा। विवादात्मक स्थिति को टालने का प्रयत्न करें। आज के दिन ये दीपक में कपूर जलाकर अपने घर के सब कमरों में घुमा लें। इससे कपूर का जब धुआं घर में होगा तब सारी नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। मिथुन राशि वाले जातक अब निराशा को हावी ना होने दें। स्वास्थ्य पर मौसम का प्रभाव पड़ सकता है। आपकी सलाह से दूसरे लाभान्वित होंगे। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, 21 दूर्वा, 11 दूर्वा, 51 दूर्वा, जैसे भी आपको उपलब्ध हो सके, और लड्डुओं का उन्हें भोग लगाएं, आपको प्रसन्नता मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज मिला जुला व्यतीत होगा। जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना पड़ेंगे। कार्य तो आप कर लेंगे पर बाधाएं भी आएंगी, लेकिन आप उन कार्य को संपन्न कर लेंगे। कला क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी और उसमें आप अपना मनोरंजन करेंगे। आज के दिन खीर का भोग लगाएं और किसी कन्या को खिलाएं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले जातकों का सौभाग्य वृद्धि का दिन है। दिन उत्तम व्यतीत होगा। परिश्रम से ही इन्हें लाभ होगा। पैसे भी खर्च होंगे, घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। सूर्य को जल दें और भोग लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। कन्या राशि वाले जातक के शौक आज पूरे होंगे। व्यापार में उन्नति होगी। दिन सुखमय व्यतीत होगा। माँ के साथ विशेष चर्चा हो सकती है। श्रावण मास में एक छोटा पौधा जरूर अर्पित करें, जरूर लगाएं, उससे आपको लाभ होगा। तुला राशि वाले जातक आज अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। आज भाग्य इनके साथ है, शुभ कार्य होने की संभावना है।
सुहागिन स्त्री को श्रृंगार की वस्तु में दान करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी वाणी पर आज संयम रखना चाहिए। अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करना चाहिए। स्वयं पर खर्च होगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हनुमान जी को सफ़ेद अकौए की माला अर्पित करें एवं सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों को आज मानसिक परेशानी रहेगी। ये बहुत अधिक तनाव में रहेंगे, लेकिन कार्यप्रणाली इनकी उत्साहजनक रहेगी। सरलता से इनके कार्य नहीं बनेंगे, फिर भी अपने लगन से उस कार्य को पूरा करेंगे। हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाएं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों का दिन संघर्षपूर्ण रहेगा। परिश्रम का फल मीठा होता है, यह कहावत चरितार्थ होगी। कुछ अस्वस्थता की अनुभूति होगी। काले रंग, नीले रंग का उपयोग ना करें। उड़द से बनी वस्तुओं का दान करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को आज सावधान रहना चाहिए। इन्हें अपने मित्रों से ही धोखा मिलेगा। व्यर्थ के खर्च होंगे। राजनीति से संबंधित कार्यों में इनकी भागीदारी होगी। इन्हें उड़द की दाल की मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों को आज सोच समझ कर धन निवेश करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य के को टालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आज इनका भाग्य इन्हें साथ नहीं देगा। गुरु को प्रणाम अवश्य करें, उनके आशीर्वाद से आपके काम सफल होंगे। और विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर दीपक लगाएं, नहीं है तो नारायण कवच का पाठ करें। नमस्कार। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।